कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया। इस लॉकडाउन की वजह से महानगरों में हजारों की संख्या में नौकरी की तलाश में रोजी रोटी के जुगाड़ में गए कामगारों की नौकरी छूट गई, जिसके बाद वो सभी वापस अपने गृह क्षेत्र की ओर लौटने लगे। ऐसे में जहानाबाद जिले में भी हजारों की संख्या में अप्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, लेकिन यहां उनके रोजी रोटी के इंतजाम की समस्या बनी हुई थी। ऐसे में जहानाबाद जिला प्रशासन ने अप्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरी खबर दी है। अगर आप अप्रवासी मजदूर हैं और आपने अपना सब कुछ प्रदेश में छोड़कर घर वापस लौटे हैं तो घबराएं नहीं, आपके लिए आपके गृह जिले में रोजगार की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पलायन करने वाले मजदूरों को उनके काम के आधार पर और उनके स्किल के अनुसार जिला प्रशासन ने उनके गृह क्षेत्र में ही रोजगार की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने ऐसे करीब 20,000 मजदूरों में से 15,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया है, जबकि 5,000 लोगों को कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया गया है। वहीं बाहर से आए छात्रों के लिए लॉकडाउन के बाद स्कूल और कॉलेजों में तुरंत नामांकन कर पढ़ाई की भी व्यवस्था कराई जा रही है। कोरोना के संकट काल में काम कर रहे ये हैं काको प्रखंड के पिंजौरा पंचायत के मनियारी गांव के मजदूर। इनमें विजय कुमार और मोहम्मद अशरफ सहित कई ऐसे मजदूर हैं जो पहले दूसरे कार्य करते थे। मसलन विजय जहां जहानाबाद में चाय बिस्किट की दुकान चलाते थे, वहीं रमेश कोलकाता में अप्रवासी मजदूर थे। लॉकडाउन में सबका रोजगार छिन गया और घर आकर बैठने की नौबत आ गई, लेकिन मुश्किल वक्त में जिला प्रशासन की पहल पर वैकल्पिक रोजगार के तहत मनरेगा से सभी मजदूरों को काम उपलब्ध कराकर उनकी चिंता और तकलीफ दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें स्थानीय मुखिया हरिलाल प्रसाद सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि उनके पंचायत में जिसे भी काम की जरूरत है उसे तुरंत काम मुहैया कराया जाएगा। इस बारे में जहानाबाद जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए स्किल मैपिंग कर उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। पहले चरण में तकरीबन 20,000 मजदूरों को रोजगार दिया गया है। दूसरे चरण में आने वाले प्रवासी मजदूरों को स्किल मैपिंग कर उन्हें रोजगार दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि जो मजदूर बाहर में जो काम करते हैं उसी के तर्ज पर उन्हें रोजगार मुहैया कराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल डीएम नवीन कुमार की पहल अप्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में बिहार के प्रशासनिक महकमे में एक नजीर की तरह है। वहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर बनने की अपील की है, उसमें भी ये कामगार बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इन कामगारों के वापस लौटने से जहानाबाद में स्किल लेबर की भी बहुतायत हो जाएगी, जिसके बाद छोटे मोटे व्यवसाय शुरू करने में काफी आसानी आएगी। और इस कड़ी में भी जहानाबाद जिला प्रशासन व्यवसायिक संघ के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण पहल करने की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जहानाबाद न्यूज। मेरे पंचायत में 8 स्कीम चल रहे हैं। ये मनियारी गांव में आप यहां पर हैं। मनियारी गांव में ये स्कीम चल रहा है। मेरा पिंजौरा पंचायत हेडक्वार्टर है, पिंजौरा में भी स्कीम चल रहा है, हड़हर में भी स्कीम चल रहा है, 12 गांव में भी चल रहा है, मई में भी चल रहा है, करीब करीब 8 मतलब प्रत्येक गांव में चल रहा है। और पूरे पंचायत के मजदूर जो हैं हमारे काम कर रहे हैं, और जो लॉकडाउन से पहले आए हैं, जो लॉकडाउन में दुकान उनका बंद है, रोजी रोजगार खत्म हो गया है, तो सब काम छोड़ करके मनरेगा में वो मिट्टी का जो कार्य है वो कर रहे हैं, और जितना संभव है उसको मजदूरी सरकार के मार्गदर्शिका के अनुकूल उसको दिया जा रहा है। और इसे मनरेगा से बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल हो रहा है, राहत हो रहा है। में हम हर गांव में पर्चा साट करके माइक से प्रचार करके लोगों को इसमें काम मनरेगा से देने के लिए सबको अनाउंस किया है कि आप आइए काम कीजिए। तो जितना जो है गांव में जो काम जिसको नहीं मिल रहा है वो सब लोग काम कर रहे हैं।
सब लोग? कुछ लोग बाहरी लोग भी आए हैं? नहीं, बाहर के लोग अभी आए हैं, लेकिन आ रहे हैं तो क्वारंटाइन सेंटर में हैं। जब सी उनको क्वारंटाइन सेंटर छोड़ता है तो मैं उनको भी काम लगाऊंगा। जो अप्रवासी लोग लेबर्स या अन्य जो स्किल्ड पर्सन हमारे आ रहे हैं, उनके लिए जहानाबाद में फर्स्ट फेज में भी हम लोगों ने ऐसा किया था कि स्किल मैपिंग हम लोगों ने कराया था, और इस स्किल मैपिंग के आलोक में उन लोगों को हम लोग यहाँ पे रोजगार मुहैया करा रहे हैं। अभी जो सेकंड फेज में हमारे पास लोग आए हैं, उनका ऑन अराइवल स्किल मैपिंग हम लोग करा रहे हैं, और क्वारंटाइन कैंपस में जाके हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स के और हमारे लेबर डिपार्टमेंट्स के लोग जाके वहाँ पे क्वारंटाइन कैंपस में उनसे बात करके हम लोगों ने एक क्वेश्चनायर तैयार किया है, और उस क्वेश्चनायर के आलोक में उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो वहाँ क्या करते थे, कितने दिनों का उनका एक्सपीरियंस है, क्या क्या उनको नॉलेज है, जो हमारा रॉ मटेरियल आते हैं उसका उनको उनकी जानकारी है कि नहीं, जो मार्केटिंग होता था उनके फैक्ट्री में उसकी उनको जानकारी है कि नहीं, और उनसे वो फीडबैक लेके यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा स्मॉल इंडस्ट्री यहाँ लगाएंगे, ताकि उन लोग जो लोग काम वहाँ करते थे वही काम वो यहाँ करें, और यहाँ से वो ये भी बताएंगे कि कहाँ उन चीज़ों का वो मार्केटिंग करवाते थे या रॉ मटेरियल कहाँ से आते थे, और साथ ही साथ हम लोग उन्हीं लोगों में से जो ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं उनको मास्टर ट्रेनर के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे, और मास्टर ट्रेनर के रूप में डेवलप करके अन्य लोगों को हम लोग ये कराएंगे। इसके अलावा जो बच्चे आ रहे हैं उन लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हम लोग तुरंत उन लोगों को, जैसे ही हमारे स्कूल्स खुलेंगे तुरंत हम लोगों ने निर्देश दिया अभी ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी को कि तुरंत उनका हम लोग एडमिशन सुनिश्चित कराएंगे, और जिस क्लास में वहाँ वो थे उसी क्लास में एडमिशन करा के उनकी जो पढ़ाई है वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर, ऐसे कितने मजदूर हैं जिनको काम मुहैया कराया जाएगा? अभी तक तो हमने बताया भी था पहले भी आप लोगों को कि करीब करीब 20,000 मजदूरों को हम लोगों ने काम मुहैया करा दिया, जिसमें अकेले मनरेगा से हमारे यहाँ 1300 ना 15,000 लोगों को मनरेगा में हम लोगों ने किया है। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ चल रहा है उसमें स्थानीय मजदूरों को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर रखवाया है। अब हमारे पास जो स्किल्ड लेबर हैं या जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स चलाने वाले लेबर हैं वो काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, जैसे हमारे JCB या अन्य जो इक्विपमेंट्स हैं कंस्ट्रक्शन के या वो मिलिंग मशीन ये चीज़ चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग अभी तुरंत इंगेज कराने जा रहे हैं।